जी व्यवर्ज असलम हाउ आर यू कैसे हैं आप ठीक हैं होप यू ऑल फाइन इन अवर लास्ट लेक्चर वी टॉक्ड अबाउट लिसनिंग स्किल और uh, आज हम बात करेंगे रीडिंग स्किल के ऊपर रीडिंग एक ऐसा स्किल है जिसके बारे में बहुत सारे uh, जो एक्सपर्ट्स हैं उनकी डिफरेंट ओपिनियंस हैं एंड लेकिन सो फार एज माई ओपिनियन इज कंसर्न मेरा जो एक्सपीरियंस है रीडिंग के हवाले से उसमें आज मैं जनरल आपसे बातें करूँगा और uh, ऐसे स्टूडेंट जो समझते हैं जी के रीडिंग स्किल जो है वो बहुत मुश्किल स्किल है और इसमें बैंड्स नहीं अच्छे आते ऐसे स्टूडेंट्स के लिए जो है वो आज मैं कुछ बातें करूँगा और वो इफ़ दे अडॉप्ट दैट स्किल डेफिनेटली दे विल गेट गुड बैंड्स रीडिंग में एक तो बात याद रखिएगा कि हमारा बैक नॉलेज नहीं होता वी डोंट रीड हमारी हैबिट नहीं है रीडिंग करने की वी शुड अडोप्ट दैबिट ऑफ रीडिंग

हमें डिफरेंट यू नो स्ट्रक्चर्स का पता चलता है और डिफरेंट uh, हमारा बैकग्राउंड नॉलेज जो है वो बड़ा अच्छा uh, उसमें इम्प्रूव होता है तो एक तो आप हैबिट डेवलप करें रीडिंग uh, की ठीक है हम रीडिंग को जो है एट रैंडम लेते हैं ठीक है जी बस ठीक है आयल्स की टेस्ट देना जी रीडिंग करनी है नो यू हैव टू इम्प्रूव योर रीडिंग ठीक है और यू हैव टू गो फॉर द बैकग्राउंड नॉलेज और अगर आपका बैक ग्राउंड नॉलेज अच्छा नहीं है तो आप कभी भी एक अच्छा अच्छे रीडर नहीं बन सकते तो आयल्स रीडिंग के अंदर याद रखिएगा कि आपको रीडिंग uh, uh, को इम्प्रूव करना है और रीडिंग uh, वही लोग इम्प्रूव अपनी करते हैं जो डेली बेसिस पर रीडिंग करते हैं और जब आप रीडिंग कर रहे हो तो यू शुड गो फॉर द इंटेंसिव रीडिंग इंटेंसिव रीडिंग क्या होती है कि आपका फोकस जो है वो टोटल रीडिंग के ऊपर हो और आप उसको बड़े अच्छे तरीके से चीज़ों को ऑब्ज़ॉर्ब करें आपकी आंखें जो हैं वो आ, उन वर्ड्स को उन स्ट्रक्चर्स को जो है वो ऑब्जॉर्ब करें और आप एक अच्छे रीडर बन सकें तो आयल्स की रीडिंग के अंदर दो टेक्निक्स बड़ी इंपॉर्टेंट हैं एक तो है स्किमिंग और एक है स्कैनिंग इन दोनों टेक्निक्स को अगर आप अडॉप्ट करते हैं तो आप एक अच्छी रीडिंग कर सकते हैं रीडिंग स्किल के अंदर टाइम मैनेजमेंट का बड़ा इंपॉर्टेंट रोल है अगर आप टाइम मैनेजमेंट को प्रॉपर तरीके से यूटिलाइज़ नहीं करते अगर आप अच्छे टाइम मैनेजर नहीं हैं यू कैन नॉट बी ए गुड रीडर तो टाइम को मैनेज करें और यू कैन गो फॉर द गुड रीडर्स एंड यू कैन गेट वेरी गुड बैंड इन आयल्स थैंक यू वेरी मच फॉर योर टाइम